समोसे खाना सभी को पसंद है, इसीलिए मैं आज लेकर आई हूँ कौन चीज़ समोसा की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज बाला मनपसंद खाना में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं कौन चीज़ समोसा। समोसे के लिए सबसे पहले हम आटा गूंथकर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है, उसमें 2 कप मैदा डाला है। थोड़ी सी अजवाइन को हाथों से मसल कर डाल देंगे। 1/4 चम्मच नमक डाल देंगे। 2 चम्मच तेल डालकर अच्छी तरह से आटे में मिलाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सख्त आटा लगाएंगे। आटे को मैं 15 मिनट के लिए ढककर रख देती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। गैस पर मैंने एक पैन रखा है जिसमें मैंने आधा छोटी चम्मच जीरा, आधा छोटी चम्मच साबुत धनिया, आधा छोटी चम्मच सौंफ, इसको मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी। सभी चीज़ों को मैंने रोस्ट कर लिया है। अब एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने एक पैन में 2 चम्मच तेल डालकर गरम किया है। आधा छोटी चम्मच अदरक को बारीक काट लिया है। थोड़ी देर इसको चलाकर पकाएंगे। 1 प्याज को मैंने बारीक काट लिया है, इसे भी डाल देंगे। और 2 हरी मिर्च ली थी, इसे भी डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 शिमला मिर्च को काट लिया है, इसे भी डाल देंगे। 1/2 कप स्वीट कॉर्न लिए हैं, इसे भी डाल देंगे और 2-3 मिनट चलाते हुए पकाएंगे। आधा छोटी चम्मच नमक ऐड करेंगे। अच्छी बाइंडिंग के लिए मैंने 2 चम्मच सत्तू का यूज़ किया है। आप इसकी जगह पर पोहा भी यूज कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डालकर मिक्स करेंगे और स्टफिंग को एक प्लेट में निकाल देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। फ्रेंड्स, देखिए स्टफिंग कितनी अच्छी लग रही है। कॉर्न भी हमारे अच्छी तरह से पक गए हैं। मसाला हमारा ठंडा हो चुका है, अब इसे हम थोड़ा मोटा मोटा कूट लेंगे। इस तरह से मसाला कूट कर डालने से समोसों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। स्टफिंग ठंडी हो चुकी है, अब इसमें मैं कूटा हुआ मसाला, थोड़ा सा हरा धनिया, 1/2 कप प्रोसेस चीज़ ली है, इसे भी डाल देंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है, अब हम आटे को देख लेंगे। हाथों पर थोड़ा सा तेल लगाकर हम आटे को थोड़ी देर के लिए मसल लेंगे। अब इसके छोटे छोटे टुकड़े तोड़ लेंगे और गोल लोई बनाकर तैयार करेंगे। अब एक लोई लेंगे और बेलन की सहायता से उसे हम बेल लेंगे। ऐसी सीट बेल कर तैयार करनी है, ना ज़्यादा मोटी और ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए। देखिए इस तरह से। अब हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अब एक पार्ट को उठाएंगे और उसके किनारे पर पानी लगाएंगे।
उंगली की सहायता से इसे अच्छी तरह से चिपकाना है। अगर अच्छी तरह से नहीं चिप पाएंगे तो तेल में ये फूल जाएंगे। अब मैं इसमें स्टफिंग भरूंगी। जितनी स्टफिंग आराम से आ जाती है उतनी भरनी है। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच स्टफिंग का यूज़ किया है। अब इसके किनारों पर भी पानी लगाएंगे और अच्छी तरह से सील कर देंगे। देखिए एक समोसा बनकर तैयार है। इसी प्रोसेस से मैं सारे समोसे बनाकर तैयार कर लूँगी। सारे समोसे भरकर मैंने तैयार कर लिए हैं। कढ़ाई में मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तेल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें समोसे फ्राई होने के लिए डाल दूँगी। मीडियम हाई फ्लेम पर समोसों को फ्राई करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी रेसिपी को फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए समोसे पर कितना अच्छा कलर आया है। सारे समोसे मैं इसी तरह से तलकर तैयार कर लूँगी। फ्रेंड्स, ये समोसे खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इसको बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।